हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो वेल की तरफ से निकल कर आ रही है। सो यस, फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, विदाउट गेट है, परमानेंट जॉब है। इसमें आप लोग को पैकेज 12 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो एक PSU है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे इंजीनियर ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, फाइनेंस और HR वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहीं पे 150 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है इंजीनियर ट्रेनी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल, मैकेनिकल, IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BE/BTECH की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री यानी कि BE/BTECH प्लस MEM/TECH की हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज लिमिट यहीं पे जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 27 ईयर्स तक रखा गया है। और अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो उस केस में मैक्सिमम एज लिमिट जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 29 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स तक रहा गया है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी HR के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स तक रहा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके ग्रेजुएशन पे मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। एलिजिबल ब्रांचेस का टाइटल्स यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में फर्स्ट होगा आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अगर आप लोग उसमें क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू। अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद होगा आप लोग का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट। अगर आप लोग मेडिकल टेस्ट में भी क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें आप लोग का जो रिटन टेस्ट होगा उसके लिए वेटेज 75% रखा गया है और इंटरव्यू का वेटेज 25% रखा गया है। अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आप लोग को 1 साल के लिए ट्रेनिंग करवाया जाएगा और ट्रेनिंग के टाइम आप लोग को सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा और परमानेंट होने के बाद आप लोग को सैलरी 60,000 से लेके 1,80,000 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 12 लाख पर एनम मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जनरल, ओबीसी और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रहा गया है। और उसके साथ प्रोसेसिंग फी 300 प्लस GST रखा गया है। SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, बट प्रोसेसिंग फी 300 प्लस GST रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसमें आप लोग का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे रहेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पे ऑनलाइन रखा गया है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग को उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रहा गया है 4th अक्टूबर 2022। और इसमें आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए डेट रहा गया है 31st अक्टूबर 2022 और 1st एंड 2nd नवंबर 2022 पे। तो फ्रेंड्स, यही इसका टाइटल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इस नोटिफिकेशन का टाइटल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग इसी लिंक पे आना होगा। आने के बाद आप लोग को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे पे जाना है और उसके बाद आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाएगी। इसमें फर्स्ट आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आप लोग को यहीं से चूज करना है। और उसके बाद आपको आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा। और उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है।
लॉगिन करने के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने लॉगिन का पोर्टल ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको आपको यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद कैप्चा फिल करना है और उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स, नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कॉमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।